पान का पत्ता जिसमें डंठल भी हो नोक हो, शास्त्र के अनुसार किसी भी देवी देवता को साबुत पान नहीं चढ़ाया जाता है और खाने में भी साबुत पान नहीं खाना चाहिए। उसका डंठल और ऊपर का नोक तोड़ करके बीच में काट करके ही पूजा में या खाने में प्रयोग होता है। लेकिन माँ लक्ष्मी के वर्ष भर में एक बार अमावस्या की रात्रि में की जाने वाली पूजा में ये साबुत पान ही प्रयोग करना चाहिए और धनतेरस के दिन गीला आटा लगाकर पान के पत्ते के पीछे के भाग में गीला आटा लगाकर आप जहां स्वास्तिक बनाया है आपने उस स्वास्तिक पर इस पान के पत्ते को चिपका दीजिए। एक चांदी का सिक्का नया जो धनतेरस के दिन आप लाएंगे उस सिक्के को भी उसके उल्टे भाग में थोड़ा सा गीला गेहूं का आटा लगाकर आप इसी पान के पत्ते पर चिपका दीजिए। कोई गरीब आदमी चांदी का सिक्का नहीं खरीद पाए तो आप भारत की करेंसी का जो टिकली वाला एक रुपया है उसको भी लाकर उल्टे भाग में आटा लगाकर उसको चिपका दीजिए। इस तरह से आप उत्तर दिशा की दीवार में या पश्चिम दिशा की दीवार में ये सब बनाएं। आगे एक चौकी लगाएं, एक नया रेशमी वस्त्र उस चौकी पर बिठा दें और जो मंगल कलश आपके घर में है उसमें थोड़ा गंगा जल डाल करके जल से भरकर और आप आम के पत्तों की टहनी लगाकर गर्दन में कलावा बांधकर ऊपर कलावा बंधा हुआ नारियल रखकर वो कलश उस चौकी के ईशान दिशा में उत्तर पूर्व के बीच का जो कोना उस चौकी का हो वहां पर उस कलश को विराजमान कर दे और इसके पश्चात धनतेरस के दिन खीर आदि बनाकर भोग लगाएं और धन्वंतरी भगवान की पूजा करें। आपके पास यदि दक्षिणवर्ती शंख है जो बजाने के काम नहीं आता है, अंदर से बंद होता है, ऐसे दक्षिणवर्ती शंख की पूजा इसी समय रेशमी छोटे से कपड़े पर उस शंख को रखकर उसे पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के कपड़े से पोंछकर एक छोटे से रेशमी कपड़े में शंख को मुख अपनी ओर, नोक पीछे की ओर, खुला हुआ भाग ऊपर की ओर और थोड़े से साबुत चावल जिनको अक्षत कहते हैं लेकर कटोरी पर बैठ जाए। आप थोड़े थोड़े दाने पूरे परिवार को बिठा लें, सभी लोग ओम महालक्ष्मी नमः ऐसा बोलते हुए उस दक्षिणवर्ती शंख के खुले भाग में भरते रहें और जब ये भर जाए आपके अक्षतों से लाल रंग बना लेना, उस अक्षतों का चावलों को रोली से लाल बना लेना, लाल चावल उसमें भर के कपड़े में बांध कर आप वहीं पर रखे रहें। इस तरह से आप धनतेरस के दिन करें। चतुर्दशी के दिन आप भगवान यम की पूजा करें और उनकी चतुर्दशी में उनका पूजन करके आप प्रार्थना करें और कहते हैं कि चतुर्दशी के दिन जो भगवान की पूजा विशेष रूप से करता है, शिव की पूजा विशेष करता है, तो चतुर्दशी जिसको नरक चतुर्दशी के नाम से कहते हैं उसका भी आप पूजन करें। और दिवाली के दिन आप सब प्रकार की सामग्री घर को सजाएं, बहुत सुंदर से बनाएं और रात्रि के समय आप चर लगन में अखबार में आपको पता लग जाएगा कौन से समय में हमें पूजन प्रारंभ करनी है। आप खुद अपनी पूजन घर में परिवार को बिठाकर और धर्म पत्नी बूढ़ी हो या जवान, जो भी धर्म पत्नी है वो लाल साड़ी, लाल बिंदी और लाल वस्त्रों का प्रयोग करें, दुल्हन की तरह सुंदर श्रृंगार करें, अपने पति के वामांग में बैठ करके लक्ष्मी की पूजन करें। और किस प्रकार से पूजन करें वो तो आप हमारे हाथों से लिखी हुई महालक्ष्मी दिवाली पूजन की पुस्तक में ही आपको प्राप्त होगा और इसलिए हमने उस पुस्तक को तैयार किया। लेकिन कुछ सामान भी इसमें चाहिए जो शायद आपको ना मिल पाए, जिसमें अगर तगर नागर मोथा छाड़ सड़ीला सर्वोदी केसर कस्तूरी गोरोचन और भी कई प्रकार की सामग्रियां हैं जिनमें आपको शायद नहीं ला पाएंगे। इसीलिए हमने इस बार भी प्रतिवर्ष की तरह
पूरे सामान की एक किट तैयार कर ली है। उस किट में आपको पूर्ण सामग्री जो जो भी दिवाली के दिन चाहिए, जैसे गणेश लक्ष्मी की पारे की मूर्ति, साथ में दक्षिणवर्ती शंख है, और भी अनेक सामग्रियां होती हैं जो आपको किट के माध्यम से आपके घर पहुंच जाएगी। और उस किट में ही हमारे हाथों से लिखी हुई वो दिवाली पूजन की पुस्तिका भी मिलेगी, जिसमें आप विधिवत घर में पूजन हर वर्ष कर सकते हैं। जिन्होंने इससे पूर्व यदि दिवाली की किट मंगा ली हो तो उन्हें ये चाहिए कि किट मंगाने से पहले जब भी आप किट मंगाने का फोन करें तो उसमें प्रमुख चीजें जो केवल एक बार ही मंगाई जाती, हर बार हर वर्ष नहीं मंगाई जाती, जैसे लक्ष्मी गणेश की पूजन है, दक्षिणवर्ती शंख है, कुबेर यंत्र आदि है, ये एक ही बार मंगाई जाती है। जिन्होंने पहले से ये सामग्री की किट मंगाई है वो चीजें नहीं मंगाएंगे, उनके लिए दूसरी किट तैयार हुई है जो केवल हर वर्ष जिसकी आवश्यकता आपको पड़ती है वही पूजन सामग्री प्रमुख आपको मिलेगी। आपके उनको बताना पड़ेगा कि हमने पहले आपको किसी किट मंगा ली है, इस केवल प्रतिवर्ष वाली सामग्री की किट हमें चाहिए, ऐसा कहकर के आप इस किट को प्राप्त कर सकते हैं। और धनतेरस से लेकर के भैयादूज तक का उसमें पूर्ण विधान दिया है, आपके कष्टों का दुखों का समाधान दिया है, आपके जीवन का उत्थान हो, इन कामना से दिवाली पूजन का सरल सूक्ष्म सही पूर्ण फल देने वाला हमने छोटा सा ग्रंथ पुस्तक क्या है जो उसी किट के साथ मिलेगी। आप यदि चाहते हैं तो निश्चित ही इस वर्ष भी आप दोनों प्रकार की किटों में जो पहली बार मंगा रहे हैं वो पूर्ण सामग्री की किट मंगाई, जिन्होंने पहले मंगा ली है वो केवल वार्षिक पूजन की किट मंगाएंगे। और इन किटों को मंगाकर आप अपने जीवन में प्रतिवर्ष उस पुस्तक के माध्यम से आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा और धर्म का फल आपके जीवन में मिले, इन्हीं कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभ दिवाली की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हरिओम हरिओम हरिओम।